ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी पे आपका स्वागत है। IPL में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में मुकाबला ऐसा होगा कि पता नहीं कौन हारेगा, क्योंकि तीनों मैच हार चुके हैं राजस्थान और बैंगलोर। तो कम से कम एक टीम अब आगे जाके कुछ पॉइंट्स तो अपने लिए दर्ज कर ही पाएंगे। हम इस मैच के बारे में बात करेंगे अजीत आगरकर के साथ, लेकिन सबसे पहले उम्मीद है कि अजीत की क्विज की परफॉर्मेंस राजस्थान और बैंगलोर की IPL की परफॉर्मेंस से बेहतर होगी। कोशिश ज़रूर करूँगा मैं आपसे और क्या उम्मीद कर सकता हूँ, आप कोशिश मैं बहुत प्रिपेयर कर रहा हूँ हर क्विज के लिए। एक मैच के पहले होता है, क्या बात है, प्रीव्यू में होता है। सिंसेरिटी के साथ आप कह रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं आप। चलिए पहला सवाल अजीत के लिए, क्विज इस मैच से संबंधित है ये क्विज। अब तक कितनी बार राजस्थान की टीम IPL पॉइंट्स टेबल में आखिरी पायदान पर रही है? शून्य, एक, दो या तीन? आखिरी पायदान जी, बॉटम पोजीशन। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। राजस्थान का परफॉर्मेंस IPL में उतना खराब नहीं रहा है। माना कि सात भी आ सकते हैं, छह भी रह सकते, लेकिन लेकिन हमेशा एंड तक उन्हें मौका होता था क्वालिफाई करने। जरूर, बिल्कुल। राहुल द्रविड़ को भी आप याद करें तो जब उन्होंने वो टोपी निकाल के इतनी गुस्से में, जिस तरह अगर आप आज क्विज के सही जवाब नहीं दे तो आप कर सकते हैं। दूसरा सवाल अजीत के लिए, इनमें से कौन सा खिलाड़ी IPL में राजस्थान और बेंगलुरु दोनों के लिए नहीं खेला है? स्टुअर्ट बिनी, रॉस टेलर, जयदेव उनादकट या प्रवीण कुमार? प्रवीण कुमार। क्या बात है, दो में से दो, आज आप अच्छे फॉर्म में हो। ऑन अ हैट्रिक अजीत आगरकर, प्रवीण कुमार जो केवल बेंगलुरु के लिए खेल चुके हैं IPL में। तीसरा सवाल अजीत के लिए, राजस्थान के लिए IPL में सबसे ज्यादा विकेट किस गेंदबाज ने लिए है? शेन वॉटसन, सिद्धार्थ त्रिवेदी, शेन वॉन या धवल कुलकर्णी? थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है। राजस्थान के लिए मैं आपको हिंट देता हूँ, ये थोड़ा अनलाइकली टाइप। सिद्धार्थ त्रिवेदी, आई थिंक। आई थिंक हिंट के बगैर भी आप ले ही जाते, आप सही था, बिल्कुल सही जवाब। वॉटसन और त्रिवेदी में मैं सोच रहा था, लेकिन वॉटसन ने फिर गेंदबाजी थोड़ी सी कम कर दी थी अब। जरूर, बिल्कुल सही जवाब। 65 विकेटों के साथ 76 मैच में सिद्धार्थ त्रिवेदी नंबर एक स्थान पे। क्या बात है अजीत, आपको हैट्रिक भी मिली। मुझे सिर्फ दीपदास गुप्ता के रिकॉर्ड को बीट करना। क्या बता, आप अपना ही एक थोड़ा एक स्टैंडर्ड ऊंचा कर लीजिए, बेंचमार्क को आप और भी ऊंचा ले सकते हैं अगर आप पांचों में पांचों अब सही जवाब दे पाए। चौथा सवाल अजीत के लिए, IPL में बेंगलुरु के लिए अनिल कुंबले के अलावा एक मैच में 5 विकेट लेने वाला दूसरा गेंदबाज कौन है? सैमुअल बद्री, क्रिस जॉर्डन, जयदेव उनादकट या मिचेल स्टार्क? शायद सैमुअल बद्री। ये थोड़ा कठिन सवाल था। सही जवाब है जयदेव उनादकट, जो काफी बार ऑप्शन में आते हैं, पहली बार ये आंसर में भी आ गए। जयदेव उनादकट के लिए ये ज्यादा खास सीजन नहीं रहा है। 2013 उस वक्त शायद मैं खेल रहा था। और आप याद कीजिए, हमेशा ये इस मैच से संबंधित होगा टीम से, तो थोड़ा बिल्कुल आप ऐसे एक तुक्का लगा दीजिए अगर आपको कभी गेस करना हो तो। फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस अजीत की, 4 में से 3। एक आखिरी सवाल, पांचवा सवाल अजीत आगरकर के लिए, इनमें से किस बल्लेबाज ने राजस्थान और बेंगलुरु दोनों के लिए खेलते हुए एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं? आपके ऑप्शन, शेन वॉटसन, राहुल द्रविड़, रॉस टेलर या मोहम्मद कैफ? राजस्थान और शेन वॉटसन। नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग। राहुल द्रविड़ मुझे लगा था, राहुल द्रविड़। आपने जिक्र किया इस आंसर का, लेकिन कोई बात नहीं, शुरुआत आपने अच्छी की हैट्रिक के बाद। अगले दो बॉल किसको याद है, आप हैट्रिक निकाल दिए ना, बस वही जरूरी है। चले आप नजर डालते हैं अजीत आगरकर की प्लेइंग 11 की, मैच के बारे में बातचीत हो जाए। दोनों ही टीम थोड़े से दबाव में जरूर होंगे, तीन मैच खेल चुके हैं, तीनों मैच हार चुके हैं। और अजीत की अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो एस्टन टर्नर, जो हाल ही में खेले गए पाकिस्तान सीरीज UAE सीरीज पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लिए रिहा हो चुके हैं और इस वक्त राजस्थान टीम में शामिल हो चुके हैं। और आप वरुण आरन को भी ले आएंगे, और जयदेव उनादकट जो इतने भारी संख्या में उनको लिया गया था IPL ऑक्शन में, करोड़ों रुपए दिए गए उनके लिए, आपने ये दो चेंजेस किए अजीत, क्यों? आई थिंक स्टीव स्मिथ थोड़ा सा हार्श है दोनों चेंजेस, लेकिन मैं समझता हूँ कि अजिंक्य रहाणे एक टेम्पो में बैटिंग करते हैं, संजू सैमसन अपनी इनिंग्स बिल्ड करते हैं, शायद थोड़ा सा एक कुछ अलग उस मिडिल ऑर्डर में चाहिए। स्टोक्स को प्रमोट करने का मौका मिल सकता है अगर एस्टन टर्नर नीचे हो तो शायद थोड़ी सी डेप्थ जो मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर में जो पावर चाहिए वो शायद एस्टन टर्नर दे सकते हैं। आई थिंक वो शायद ना हो, पावर अगर होती तो शायद अलग थी। हमने देखा एक जोफ्रा आर्चर ने अच्छी बल्लेबाजी की, तो शायद उनको भी थोड़ा सा फ्लोट कर सकते हैं राजस्थान रॉयल सिचुएशन के हिसाब से।
तो ऑप्शंस होंगे, अगर पावर होगा, हमने देखा एश्टन टर्न ने हाल ही में भारत के खिलाफ अच्छी पारी खेली थी, तो उनके पास वो पावर है। और जयदेव उनादकट कभी कभी ऐसे देखते हुए भी नहीं लगता कि अजिंक्य रहाणे को उन पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इस वक्त। और महेंद्र सिंह धोनी ने जो उनको लास्ट ओवर में उनसे रन लिए लास्ट उनके पिछले मैच में चेन्नई के खिलाफ, उसके बाद कॉन्फिडेंस और भी नीचे होगा। तो कभी कभी कोई बुरी बात नहीं होती कि एक आध मैच चाहे कितना भी एक्सपीरियंस गेंदबाज हो उसको ब्रेक मिले। वरुण नारायण थोड़ा एक्स्ट्रा स्पीड है उनके पास, तेज़ करते हैं गेंदबाजी, तो एक ऑप्शन हो जाएगा अजिंक्य रहाणे के पास के नई गेंद से उनको करवा सकते, क्योंकि इस वक्त लग नहीं रहा है कि कप्तान के पास भी उतना कॉन्फिडेंस है। आखिरी के चार ओवर ही दे रहे उन्हें, और बहुत मुश्किल होता है किसी भी गेंदबाज के लिए कि 12 ओवर के बाद 4 ओवर करना बहुत मुश्किल होता है। अनलेस आप बुमराह के लिए भी शायद मुश्किल हो, लेकिन वैसे एबिलिटी हो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन इस वक्त शायद जो फॉर्म में नहीं है उसको ना खिलाए तो अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी 3 मैच हार चुके हैं और एक मैच हारेंगे तो और मुश्किलें होती जाएगी। बिल्कुल, और प्राइस टैग प्रेशर की कभी कभी बात होती है आईपीएल में। जयदेव उनादकट काफ़ी सारे रुपयों के लिए उनको लिया गया है, उनकी गलती तो नहीं है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस नहीं, और ऐसे लग रहा है कि कप्तान पे जिस तरह अजीत ने कहा भरोसा नहीं है, तो शायद ये एक चेंज कर सकती है राजस्थान रॉयल्स अजीत के हिसाब से। दूसरी चेंज की अगर हम बात करें, टीम की बात करें, तो वो है बेंगलुरु, और काफ़ी सारे चेंजेस आपने किए। हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ी अब अवेलेबल हो चुके हैं पाकिस्तान सीरीज के बाद, तो जहां एक तरफ एश्टन टर्नर राजस्थान के लिए, दूसरी तरफ मार्कस स्टोइनिस और नेथन कुल्टनाइल दोनों को आपने टीम में डाला है सीधा। नवदीप सैनी की वापसी की है आपने युवा खिलाड़ी प्रयास रे बर्मन के खिलाफ जो डेब्यू कर बैठे सनराइजर्स के खिलाफ, और फिर वाशिंगटन सुंदर का भी चयन आपने किया है। अजीत, आपकी क्यों इतने चेंजेस? मैं क्योंकि कोई इस टीम को पिक करना ही मुश्किल है जी। आई थिंक स्टोइनिस और कुल्टनाइल थोड़ा सा ऑलराउंड ऑप्शन लाते हैं उनके लिए, और कुल्टनाइल स्पेशली थोड़ी सी तेज़ गेंदबाजी लाते हैं। उमेश यादव थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट मिस, उनको 11 में मेरे 11 में मैंने नहीं लिया है, क्योंकि तेज़ गेंदबाजी है, सैनी है, सिराज है और कुल्टनाइल, और स्टोइनिस उनके चौथे गेंदबाज हो जाते हैं अनुभवी खिलाड़ी उमेश यादव। आपने सैनी और सिराज का चयन उनके ऊपर, थोड़ा सा इस वक्त सैनी के पास लग रहा है वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। रन हर बॉलर आईपीएल में खाता है और मुश्किल गेम्स आते हैं, जस्ट गट फीलिंग और कुछ नहीं, लेकिन बल्लेबाजी उनको ठीक करनी होगी। हम गेंदबाजी की भी बात ही करते हैं, लेकिन हेटमायर को मैं चाहूँगा कि वो और एक गेम ओपन करवाए, मौका दे, क्योंकि वो ऐसे प्लेयर है अगर क्लिक हो गए तो उनको स्टार्ट ही नहीं बट मैच जिता सकते हैं। तो इस वक्त उनका आत्मविश्वास इतना ख़राब होगा आरसीबी का कि उनके बड़े प्लेयरों को अच्छा खेलना ज़रूरी है। आई थिंक कुल्टनाइल का आना उनके लिए ज़रूर उनकी टीम की मदद करेगा बैलेंस के लिए। शिवम दुबे को मैं चाहूँगा थोड़ा सा ट्रस्ट करें, खराब शॉट खेल के आउट हुए जब पता था कि मैच जीतना मुश्किल है, शायद थोड़ी सी इनिंग्स खेलते कि शायद डॉट बॉल भी खेलते तो फ़र्क नहीं पड़ता उस वक्त, तो वो उन्हें सीखना होगा जल्दी, लेकिन उनके पास पावर है और गेंदबाजी, शायद विराट कोहली उनको थोड़ा सा ट्रस्ट करे, जब तक डालते नहीं है गेंद तब तक पता नहीं होगा आपको कि कर पाते या नहीं, तो थोड़ी सी निराशा हुई कि 230 रन जाने के बावजूद उनको एक भी ओवर नहीं मिला। तो वो एक कैप्टनसी कभी कभी फेथ कोई प्लेयर को और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, तो आई होप कि उनको ड्रॉप ना करें, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनको ड्रॉप करेंगे, बट ये मैं चाहूँगा अगर 11 खिलाएं तो। चलिए बात विराट कोहली की ही कर लेते हैं। विराट कोहली ए बी डिविलियर्स दोनों बहुत ही अहम प्लेयर है बैंगलोर के लिए और कई सालों से अहम है इनके लिए, लेकिन बतौर कप्तान अगर हार जीत की बात हो जाए तो ये सबसे पहले तो अगर आप आंकड़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं या मानते हैं तो ये 100वां मैच होगा विराट कोहली का बतौर कप्तान आईपीएल में, तो ये उनके लिए एक माइलस्टोन होगा, पर्सनल माइलस्टोन। लेकिन विन लॉस रेशियो जो हमने पिछली बार भी एक बार कहा था कि काफ़ी ख़राब उनका इस टूर्नामेंट में, और जहाँ गौतम गंभीर ने भी शुरुआत में ये बात को छेड़ा था जीत के कोहली जैसे खिलाड़ी अगर कोहली ना होता और इस तरह का रिकॉर्ड होता तो शायद कोई दूसरा खिलाड़ी कप्तान नहीं बन पाता, शायद फ्रेंचाइज चेंज मानती। क्या आपको दबाव नज़र आता है विराट कोहली पे आने वाला है, क्योंकि शुरुआत ये सीज़न की भी ख़राब हुई हो? दबाव तो हर कप्तान पे होता है, क्योंकि आपको अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है, तो आप चाहोगे कि टीम अच्छा करे। उनका प्रॉब्लम इज़ टीम सिलेक्शन, हमेशा हम देखते आ रहे हैं कि उनकी बल्लेबाजी बहुत मजबूत रही है लेकिन गेंदबाजी में प्रॉब्लम हुआ है, मिडल ऑर्डर बैटिंग, जो लोअर मिडल ऑर्डर आपको ज़रूरत होती है हिटर्स,
वहाँ उन वो ऑक्शन में प्लेयर्स वहाँ नहीं लेते, तो वो सब चीज़ें। देखिए कप्तान तो अपनी टीम जितनी अच्छी होती है उतना ही अच्छा होता है, चाहे कितना भी अच्छा विराट कोहली परफॉर्म करे। इसलिए मैं चाहूँगा कि गेंदबाज उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा मानना है कि गेंदबाजी है। जब तक आपके पास 5 या 6 अगर हो सकते हैं तो 6 गेंद अच्छे गेंदबाज ना हो, तो चाहे आपके पास सबसे दुनिया के सबसे अच्छे 6 बल्लेबाज हो, हर बार आप 220 230 रन चेस नहीं कर सकते जी। तो वो उनको शायद थोड़ा सा चांस लेना होगा कि आपके पास विराट कोहली खुद है, एबी डिविलियर्स है, ऐसे बल्लेबाज है, तो आपको गेंदबाजी थोड़ी मजबूत करनी होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मैच में वो करे वो, क्योंकि दबाव और बनते जाएगा अगर आपको हर बार 220 रन चेस करने हो तो। जैसे पहले कहा, चाहे दुनिया के 6 बेस्ट बल्लेबाज आप ले आओ, ज़्यादा मैच वो टीम हारेगी। अगर हम बात करें विराट कोहली की, अगर कोई वीकनेस हो बल्लेबाजी में तो ज़्यादा कोई दिखाई तो नहीं देती, लेकिन फिर भी एक कुछ आंकड़े हमने निकाले हैं जहाँ पता चलता है शायद अपोजिंग कैप्टन को कि अगर गूगली को डाल दे या फिर ऑफ ब्रेक को भी डाल दे उनको, तो 2018 से उनके नंबर्स थोड़े से ख़राब है। ये शायद बैंगलोर जिस तरह की फॉर्म में रही है उसके साथ भी संबंधित हो सकते हैं। बैटिंग पोजिशन भी उनका बदलता रहता है, कभी ओपन करते हैं कभी 3 पे आते हैं, तो ये एक पॉइंट नोट करना ही होगा। आपके लिए पोजिशन क्या होगी उनकी सबसे इफेक्टिव होने की? आई थिंक क्योंकि पार्थिव पटेल खेलते हैं इस उनकी 11 में जी, तो मुझे लगता है पार्थिव पटेल की बेस्ट पोजीशन है ओपन। आप शायद उनका उतना फ़ायदा है, उनका इस्तेमाल उतना नहीं होगा अगर आप उनको नीचे खिलाओगे, तो अगर वो ओपन करते तो मैं चाहूँगा और एक गेम में हेटमायर को थोड़ा सा उन पे कॉन्फिडेंस दिखाए विराट कोहली, तो अगर वो होता है तो वो उनको 3 नंबर खेलना होगा। और 3 नंबर अच्छी पोजीशन है उनके लिए क्योंकि वहाँ वो पूरी इनिंग्स बिल्ड कर सकते हैं अपनी और 20 ओवर एंड तक खेल सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता चाहे ओपन करे या 3 नंबर, क्योंकि जैसे टाइप के प्लेयर है जितना उनका ग्रेटनेस है वो एडजस्ट कर लेते। लेकिन टीम के लिए शायद अच्छा होगा, और एक अगर पार्थिव पटेल खेलते हैं तो मेरा मानना है उन्हें ओपन करना चाहिए और हेटमायर को और एक मौका देना चाहिए ओपन। अगर वही दूसरी तरफ एबी डिविलियर्स की बात हो जाए, ऐसे कभी भी बैंगलोर सोचते हैं कि कोहली और एबी को थोड़ा हम स्प्लिट कर दें टीम में और बैटिंग लाइनअप में, तो डिविलियर्स का जो प्रदर्शन रहा है वो ऑफ ब्रेक के खिलाफ उनकी औसत केवल 9.8 और दूसरी तरफ गूगली के खिलाफ भी कुछ ज़्यादा नहीं। मोहम्मद नबी को आउट हुए थे पिछले मैच में ऑफ ब्रेक में, तो ये शायद कुछ कमाल के आंकड़े हैं। 2018 से दोनों गेंदबाज, महान गेंदबाज, दिग्गज बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजों को ठीक से खेल नहीं पाते। चलो तो के गौतम को पहले जब एबी आते हैं वो दूसरी तरफ के कुछ खास स्पिन गेंदबाज इस टीम में नहीं है अगर आप नहीं, और कंडीशंस भी उतनी अनुकूल नहीं है स्पिन गेंदबाज के लिए नहीं। आई थिंक ये आंकड़े कभी कभी हम देखते हैं, थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि ऑफ स्पिन को इतने आउट हुए एबी, लेकिन उनका कोई वीकनेस नहीं है, हमने देखा है उनके करियर में कोई भी। लेकिन आरसीबी ज़रूर चाहेगी कि एबी अच्छे फॉर्म में हो, क्योंकि जिस इस वक्त उनके बड़े प्लेयर्स को अच्छा करना ज़रूरी है। अगर वो टीम में वापस कॉन्फिडेंस लाना है तो जो लीडर्स होते हैं आपके टीम के उनका अच्छा करना ज़रूरी होता है। घूम फिर के जिम्मेदारी फिर से एबी और कोहली पे ही, लेकिन हम समझ सकते हैं जिस तरह की टीम है बैंगलोर, और अजीत ने अच्छी तरह कहा कि उनमें कोई वीकनेस तो नहीं है, लेकिन अगर राजस्थान की गेंदबाजी की बात करें उनमें से थोड़ी सी वीकनेस है। अगर मिडिल ओवर्स पे हम कुछ आंकड़ों पे नज़र डालें तो राजस्थान की इकोनॉमी जो 7 और 15वें ओवर के बीच में है वो सबसे ख़राब है इस आईपीएल में। दिल्ली के साथ जॉइंट है इकोनॉमी, आप देख सकते हैं 8.45, लेकिन विकेट इतने नहीं ले पाते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। और जिस तरह की गेंदबाज का उपयोग अजिंक्य रहाणे ने किया है, शायद ये इस तरह दर्शाता है कि बीच में कोई विकेट टेकिंग गेंदबाज नहीं है। क्या ये एक समस्या है उनके लिए, या शायद उनको ठीक से यूज़ नहीं किया हो जी? हमने देखा चेन्नई के खिलाफ भी 30 पे 3 आउट हुए थे और फिर भी उनाडकट को नहीं ले आए, स्पिन गेंदबाज उस वक्त कर रहे थे। मैं मानता हूँ कि ड्यू था तो उनको अपने स्पिनर्स का को गेंदबाजी करवा रहे थे और ओवर शायद उनके निकाल रहे थे, लेकिन उस समय पे और एक अगर विकेट लेते रायना या एमएस धोनी का तो शायद 175 नहीं बनते। तो इस्तेमाल भी वैसा होना चाहिए गेंदबाजों का हर दिन पे। आप इसीलिए एक कप्तान होता है कि जिस दिन जो अच्छा कर रहा है उसको अच्छे समय पे गेंदबाजी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने देखा कि अगर एमएस धोनी एंड तक रह गए तो चाहे कोई भी गेंदबाज आप उस वक्त करो जब सेट हुए। और वैसे बल्लेबाज और टीमों में भी है, आप रुक नहीं सकते कि उस वक्त रन नहीं बना रहे
इसलिए आप अपने थोड़े से जो कमज़ोर गेंदबाज है उनको करवाए तो कप्तानी यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और रहाणे की उधर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो बीच में विकटे कैसे निकाले। शायद स्टोक को अलग यूज़ कर सकते हैं, आर्चर को शायद एक दिन जब ऊपर की विकेट्स गिरी हो तो शायद उनके चार ओवर हर बार एंड में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंड तक अगर बल्लेबाज रहा तो ज़रूर रन बनाएगा। तो अगर लेकिन अजिंक्य रहाणे के विकल्प और क्या हो सकते हैं, अगर मान लीजिए कि अजीत ने अच्छी तरह कहा कि अगर जो एग्जिस्टिंग ऑप्शन है उनको थोड़ा वो चेंज कर ले तो शायद एक समाधान हो सकता है, लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ आंकड़ों पर नज़र डाले तो कृष्णप्पा गौतम और जयदेव उनाडकट के आंकड़े बहुत ही ख़राब इस मामले में। तो इसके बाद क्या हो सकते हैं वो विकल्प, आप देख सकते हैं कि औसत भी ज़्यादा, इकोनॉमी भी ज़्यादा, विकेट भी ज़्यादा नहीं लेते, लेकिन एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज है उनके पास राजस्थान के पास, वो है ईश सोढ़ी। ईश सोढ़ी की बात थोड़ी सी हो जाए, पिछले साल भी जब वो आए थे तो इम्पैक्ट उनका इमीडिएटली था, प्रभाव पड़ा था उनके शामिल होने का। अगर ईश सोढ़ी के आंकड़ों पे कुछ हम नज़र डालें तो 6 पारियों में 5 विकेट निकाल चुके हैं, और हमें पता कि इंटरनेशनल क्लास स्पिनर है, लेकिन ओवरसीज स्पिनर की यही एक इश्यू हो जाती है, अगर आप इन्हें लाएंगे तो आप इन्हें बाहर बिठाएंगे, बैलेंस कैसे बिगड़ जाएगा। लेकिन क्या जिस तरह की गेंदबाजी देख के आपको लगता है कि ईश सोढ़ी की ज़रूरत पड़ सकती है राजस्थान? आप 4 ही ओवरसीज प्लेयर खिला सकते हो तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है एक स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाना है। या तो आप राशिद खान हो जिसे आप बिल्कुल ड्रॉप नहीं कर सकते, उनकी एबिलिटी है, उन्होंने अच्छा ज़रूर किया है, और शायद आरसीबी के खिलाफ उन्हें शायद खिलाए भी, क्योंकि विराट कोहली बीच में, एबी डिविलियर्स राइट हैंडर्स है, बहुत स्टॉइनस आए हुए खिलाए, लेकिन आपका बैलेंस होना ज़रूरी है, आपको स्टोक्स की भी ज़रूरत है, बटलर तो खेलेंगे ही, जोफ्रा आचर भी खेलेंगे, और जो मैंने 11 पिक किए उसमें एश्टन टर्नर है। तो इन चारों के आगे आप उनको खिला सकते हैं, आपके फिर भारतीय बल्लेबाजों पे उतना प्रेशर ज़्यादा आ जाता है रन बनाने का। मैं नहीं मानता इस टीम में इस वक्त अनफॉर्चुनेटली वो 11 में फिट होते हैं, लेकिन रहाणे ज़रूर देख रहे होंगे कि अगर उनको ला सकते हैं 11 में तो लेग स्पिनर हमेशा मैच विनिंग गेंदबाज हो सकता है। प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर मैं पूछूं ये मैच जयपुर में होगा तो और भी थोड़ी सी मुश्किल शायद बैंगलोर को, कि घर पे ना खेले हो, लेकिन क्या लगता है आपको राजस्थान या बैंगलोर? दोनों 3 गेम्स हार चुकी है, अगर दोनों का परफॉर्मेंस देखे 3 गेम में तो शायद राजस्थान का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर रहा है आरसीबी से। मुश्किल है पिक करना, लेकिन राजस्थान इस वक्त थोड़ी सी मजबूत लगती है आरसीबी से, और कॉन्फिडेंस भी, चाहे हार चुकी है चेन्नई से लेकिन क्लोज गेम था और इस एक वक्त लग रहा था कि जीत जाएगी, और पंजाब के सामने भी करीबी मामला, हैदराबाद के सामने भी रन बनाए थे, शायद होम ग्राउंड पे टीम को उनके देख के ऐसे लगता है कि उनके पास थोड़े से ज्यादा मैच विनर्स हैं। शायद कुल्टन और स्टॉइनिस जब वापसी करेंगे आरसीबी को फर्क पड़ जाए, लेकिन इस वक्त लग रहा है राजस्थान बेहतर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अजीत, देखते हैं इस मैच के बाद क्या हाल है दोनों टीमों का। सिर्फ एक मैच सिर्फ इस मैच के बाद ऐसी एक टीम ही रहेगी आईपीएल में जो एक मैच जीत भी नहीं पाए 4 में से, तो काफ़ी दिलचस्प कॉन्वर्जेशन होगा अजीत के साथ ESPN रुक इन्फो मैच डे हिंदी पर। Don't forget to like, share, subscribe and leave your comments in the comments section below. Click on the bell icon for notifications.